अस्सलाम वालेकुम। हेलो क्या आवाज आ रही है सबको? जी जी बोलो, आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ ठीक तरफ सही है। है। ओके तो कल कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे? अच्छा, मतलब बेटा आप नहीं थी और आप भी कल नहीं थे ना अभी? जी नहीं सर, सर। मैं नहीं था। चलो, तो कल हमने बेसिकली इस पर बात करी थी, पेपर पैटर्न पर और सिलेबस पर। एंड जो कल वाला लेक्चर है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी पढ़ा हुआ है। अगर आप यूट्यूब पे वेल्स कॉलेज देखोगे ना तो वो कल का लेक्चर आपको मिल जाएगा। कल के लेक्चर में बेसिकली हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पर बात करी थी, एंड दैट इंट्रोडक्शन इज अबाउट द पेपर पैटर्न एंड द कंटेंट। ठीक है, आज जो है हम लोग इंशाल्लाह वो अपना काम शुरू करते हैं द फर्स्ट चैप्टर से। तो मैं आपके सामने बड़ा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक मिनट दीजिएगा, प्रेशर कर। जी बेटा, आज जो है हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर उसको स्टार्ट करेंगे, एंड बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर को। एंड इट इज कॉल्ड द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जो पहला चैप्टर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एंड दिस एटॉमिक स्ट्रक्चर इज अ वेरी बेसिक थिंग। एक काफ़ी बेसिक सी चीज़ है जो आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ी हुई है। तो मैं आपके साथ अभी एक पीडीएफ फाइल है वो शेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर मैं शेयर करूँगा और फिर उससे मैं आप लोगों को आगे लेके जाता हूँ।
चले तो सर फाइल ओके तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये हम सबके पास है एंड वी ऑल नो दैट कि भाई क्या चीज है कि देयर आर इनसाइड द एटम वी ऑल नो दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल. आई नो ये चीजें काफी आसान सी हैं लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करने के लिए हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं. तो इनसाइड द एटम यू विल फाइंड आउट द थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन विच यू हैव द प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ओके एंड सम असम्पशंस अबाउट दिस स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द रीजन ऑफ स्पेस कॉल्ड ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं बट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव इन फिक्स ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन्स अपने फिक्स ऑर्बिट में मूव नहीं करते हैं. द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम. दिस इज बिकॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू अदर्स. द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज सराउंडेड द न्यूक्लियस. ठीक है हम लोग बेटा ये चीज ओ लेवल से भी पढ़कर आए हुए हैं कि प्रोटॉन्स कैरीज पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स कैरीज द नेगेटिव चार्ज. और जिसकी वजह से बेटा क्योंकि आपका ये जो न्यूक्लियस है एंड इट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स आपके पास न्यूट्रल चार्ज वाले पार्टिकल है. प्रोटॉन्स बीइंग पॉजिटिव इसकी वजह से इस पूरे न्यूक्लियस पर बेटा हमारे पास क्या चार्ज होती है पॉजिटिव चार्ज. ठीक है एंड इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स तो दे आर सराउंडेड अराउंड दिस न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट. ठीक है आगे चलेंगे. ये कुछ रिलेटिव मासेस और रिलेटिव चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की. प्रोटॉन्स का रिलेटिव मास बट वी कुड नॉट फाइंड आउट द एक्चुअल मास ऑफ प्रोटॉन. अगर हम एक्चुअल मास ऑफ प्रोटॉन पर चले जाएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है. इसीलिए हमने उस छोटी सी वैल्यू को बड़ा करने के लिए एटॉमिक जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के जो मासेस हैं इनको सपोज कर दिया इनका रिलेटिव मासेस निकाल लिए. जैसे कि प्रोटॉन कैरीज मास ऑफ वन. ठीक है और प्रोटॉन की रिलेटिव चार्ज आपके पास होती है पॉजिटिव वन लेकिन इसकी जो एक्चुअल चार्ज है प्रोटॉन की वो है बेटा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स. ठीक है एंड पॉजिटिव साइन शोज दैट कि ये जो साइन है आपके पास ये पॉजिटिव है. अब देखो बेटा आपके पास ये जो एक्चुअल चार्ज है प्रोटॉन की ये बहुत ही ज्यादा छोटी सी चार्ज है. ठीक है तो बजाय हम इसकी एक बड़ी वैल्यू को याद करने के हमने ओ लेवल्स में इससे इसकी एक रिलेटिव चार्ज को अपने दिमाग में रख लिया था क्योंकि क्या कि बेटा आपके पास पॉजिटिव वन. ठीक है इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी सेम ही चार्ज है लेकिन किस फॉर्म में बेटा आपके पास नेगेटिव फॉर्म में है. ठीक है इसीलिए हमारी जो रिलेटिव चार्जेस थी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की हम पॉजिटिव वन और माइनस वन कर रहे थे बिकॉज द चार्जेस आर सेम बट देयर डायरेक्शंस आर ओपोजिट. एक पॉजिटिव में है और दूसरा नेगेटिव में है हमारे पास. न्यूट्रॉन कैरीज अ मास ऑफ वन इसकी रिलेटिव चार्ज आपके पास जीरो है और चार्ज कुछ है नहीं यहाँ पर. और एक और चीज था जो हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि जो आपका मास ऑफ प्रोटॉन होता है इट इज वेरी बिगर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बेटा आपका जो भी मास ऑफ प्रोटॉन है अगर आप उसको 1836 टाइम्स से डिवाइड करवा दो तो देन यू विल गेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. बेटा ये दोनों जो बातें हैं ये आपको ये शो कर रही हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंपैरेटिवली प्रोटॉन से बहुत ही ज्यादा छोटा सा है. अच्छा आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ही कॉमन सी बात है लेकिन लिटरली कभी कभी एग्जामिनर यही वाला कॉलम को फिलअप करने के आपको दो मार्क्स दे देता है कि जब उसका बहुत ज्यादा मार्क्स को डोनेट करने का तरीका लिखा होता है तो. ठीक है अच्छा अब बेटा द थिंग इज दैट कि हमें कैसे पता चला कि यार प्रोटॉन का मास ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन्स का मास कम है. हमें कैसे पता चला क्योंकि वी आर फाइंडिंग आउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम.
इनसाइड द एटम। और ये बात हमें पता है कि एटम एक आपका एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, और एक ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के इनसाइड जाना, ठीक है, तो इट इज नॉट इजी, ये कोई आसान बात नहीं है कि एक छोटे पार्टिकल की आप इनसाइड जाके देख रहे हो कि उनके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें मौजूद है। तो बेटा ये सब चीजें हमें पता चली विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक साइंटिस्ट था जिसने इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट आपका ये रहा। बेटा साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, उसने उन तीनों पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिकल फील्ड में, ये राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो, साइंटिस्ट ने क्या किया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम से निकाले और उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया। तो जब आपके पास ये सारे के सारे पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड से पास आउट हो गए, तो बेटा कुछ पार्टिकल्स आपके पास ऐसे निकले जो कि बिल्कुल स्ट्रेट चले, ठीक है। तीन टाइप्स के बिहेवियर आपको देखने में मिले, कुछ टाइप्स के पार्टिकल ऐसे थे जो कि बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कि पॉजिटिव पोल की तरफ फौरन से अट्रैक्ट हो गए, देखो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में गए अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में गए और थोड़ी देर बाद नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट हो गए, समझ आ रही है बात। तो बेटा ऐसे पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे उनके ऊपर क्या चार्ज हो सकती थी, नेगेटिव, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन लॉ। और ऐसे पार्टिकल्स जो कि ये नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो उनके ऊपर क्या चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज। एंड पार्टिकल्स विच आर पासिंग स्टेट, तो कहीं पर भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे तो उनके ऊपर क्या चार्ज होगी बेटा, न्यूट्रल। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सपेरिमेंट हमें ये बात पता चली कि जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं उनके बिहेवियर तीन टाइप्स के होते हैं, इधर वो पॉजिटिव चार्ज के होंगे या फिर वो नेगेटिव चार्ज के होंगे या फिर वो न्यूट्रल होंगे हमारे पास, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें चार्जेस भी पता चल गई, लेकिन इसी सेम एक्सपेरिमेंट से हमें एक चीज बेटा और पता चली जो कि थी इनके मासेस। अब वो मासेस बेटा कैसे पता चले, देखिएगा जरा, मुझे एक बात बताएं, अगर लेट सपोज ये जो नेगेटिव वाले पार्टिकल है मैं इसका एंगल ले लेता हूं थीटा, सही, और जो पॉजिटिव वाले पार्टिकल है जब ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो सपोज करो मैं इसका एंगल ले लेता हूं थीटा डैश, सही। तो मुझे बताओ कि थीटा का एंगल बड़ा है या थीटा डैश का एंगल बड़ा है हमारे पास, समझो, थीटा, थीटा का ना। तो बेटा जो चीज जिसका मास कम होता है उसको अट्रैक्ट करना अपने पास आसान है या मुश्किल है, आसान होता है, आसान है। तो बेटा ये एक्सपेरिमेंट ने आपको इनके मासेस का भी अंदाजा दिया कि यार इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो नेगेटिव वाले पार्टिकल्स हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लेस इन मास है, जब ये फॉरन से अट्रैक्ट हो गए पॉजिटिव पोल की तरफ, लेकिन एज कंपेयर टू The negative particle, जो पॉजिटिव पार्टिकल थे वो इतनी आसानी से नहीं अट्रैक्ट, उनको थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है। It shows that के protons are heavier than the electrons. अब बेटा इसी बात को यहाँ पर आपने देखा हुआ है कि प्रोटॉन विल बी डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज, बहुत कॉमन सी बात है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पर चले गए, न्यूट्रॉन्स कहीं पर भी नहीं गए, ठीक है। एक और चीज, angle of deflection of electron is greater than angle of deflection of proton. It shows that ke electron is very smaller than proton. ठीक है, तो आपका यहाँ पर conclusion निकला कि protons are positively charged, electrons are negatively charged, neutrons are neutral and protons are much heavier than electrons. ठीक है, बेटा ये वाली जो file है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा basic की है ना,
ये मैं आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, और ना इसमें कोई ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट बात है जो कि समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इसमें जो बेटा एक चीज जरूरी है, जो कुछ डेफिनेशन है आपके पास, ये एन एटम और आयन इज सेट टू बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एटम या आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक कब कहलाते हैं? कि इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सोडियम 1+ की, ठीक है, और हम एक और बात करते हैं मैग्नीशियम 2+ की, ठीक है, तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स, मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों के पास बेटा इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं, तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा आपके पास? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और मैग्नीशियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो बेटा ये दोनों आइन्स आपस में क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहलाएंगे बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बात समझ आ रही है? मतलब मैसेज को बताइएगा बात समझ आ रही है। नहीं, ठीक है। आइसोटोनिक आपके पास कौन कौन सी चीजें होंगी बेटा? के ऐसे एटम या आयन जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आपके पास बेटा इक्वल हो, तो दीज आर कॉल्ड द आइसोटोनिक। सर टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड आइसोटोपिक एंड इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो गए तो दीज आर कॉल्ड दी आइसोटोपिक, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली आइसोटोप्स भी कहते हैं हमारे पास, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर आइसोटोप्स पर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं आइसोटोप्स की, तो वी ऑल नो द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अगर आपके पास कोई दो एलिमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन की एग्जांपल आपको दी हुई है, तो अगर आप देखो कि इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है लेकिन इनके जो एटॉमिक मासेस हैं वो डिफरेंट है हमारे पास, तो ये दोनों एलिमेंट हमारे पास क्या कहलाएंगे बेटा? आइसोटोप्स कहलाएंगे, सही है। आइसोटोप्स के अंदर सेम बेटा क्या क्या चीज होती है? दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है हमारे पास, एंड दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाई? बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आइसोटोप्स का डिफरेंट क्या क्या चीज होती है बेटा? दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड दी न्यूक्लियॉन मास, दे हैव डिफरेंट मास, दे हैव डिफरेंट डेंसिटी एंड दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड। बेटा मॉलिक्यूलर स्पीड से क्या लेना देना है? एक ऐसा आइसोटोप जो कि हैवी होगा, तो इट इज अंडरस्टूड कि उसकी मॉलिक्यूलर स्पीड हमारे पास कम होगी, एंड द आइसोटोप जिसका मास आपके पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कार्बन 12 और कार्बन 13 की बात करें, तो इस कार्बन 13 की जो मॉलिक्यूलर स्पीड होगी वो कम होगी आपके पास एज कंपेयर टू दिस कार्बन 12, जिसकी मॉलिक्यूलर स्पीड आपके पास ज्यादा होगी, ठीक है। आइसोटोप्स कैन बी स्टेबल और अनस्टेबल। अनस्टेबल आइसोटोप्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो आइसोटोप्स की आप लोग फिजिक्स में भी इस चीज को डिस्कस करोगे, क्या आपने बिल्कुल करा भी होगा
फिजन और फ्यूजन टाइप के रिएक्शन है कि जहां पर अनस्टेबल आपके पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो बेटा ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक सी बात हो गई, लेकिन हम अभी हम आगे जाके इन आइसोटोप्स को और ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक किसी को कोई इश्यू है तो मुझे बताओ बेटा, कोई ऐसी चीज जो इसमें आपको परेशान कर रही हो। कोई मसला बेटा आप लोगों को? चलें अब इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें देखनी है वो हम लोग बात करेंगे बेटा इन्हीं आइसोटोप्स की, फर्दर एक्सप्लेन करते हुए इसको, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे आइसोटोप्स की, डेफिनेशन हम लोगों ने जैसे पहले लिखी कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट atoms of the same element which have same proton number but different मास नंबर, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जिनका प्रोटॉन नंबर सेम हो लेकिन जिनके जो मासेस हैं वो डिफरेंट हो तो दे आर कॉल्ड द आइसोटोप्स। अच्छा तो यहाँ पर हम लोग बेटा इसी की एक और डेफिनेशन को याद करेंगे, तीन डेफिनेशन बस भी लर्न ये बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये एक से दो मार्क्स के लिए एग्जामिनर बार बार आपसे पेपर में पूछता रहता है। एंड द सेकंड डेफिनेशन इज द रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस, ठीक है। फिर अब जो काम मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ तो ये आप भी साथ साथ नोट कर लीजिएगा ताकि चीजें हमारे पास मैनेज होते हुए नजर आ जाए, ठीक है। तो रिलेटिव आइसोटोपिक मास की डेफिनेशन आपके पास क्या होगी कि द मास ऑफ एन आइसोटोप isotope of an element as compared to 1/12 of the mass of an atom of carbon 12, ठीक है। बेटा हमारे पास periodic table में जितने भी elements हैं उन सब elements के जो masses हैं वो हमने कैसे निकाले हैं, with respect to the carbon 12 के atom से, ठीक है। मतलब हमने क्या करा, हमने carbon 12 को as a reference लेकर बाकी सब elements के mass को calculate करा है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है रिलेटिव आइसोटोपिक मास की, ये आपको क्या बता रही है कि इट इज द मास ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब हमने किसी भी एटम का जो आइसोटोप का मास निकाला है वो किसकी मदद से निकाला है बेटा, वो कार्बन 12 वाले एटम की मदद से हमने उसको कंपेयर करके निकाला है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। जी बेटा असफल बोलो। मैं सवाल है तो बेटा बताओ।
हाँ बेटा ऐसे भी आप इसको कह सकते हो, बिल्कुल सही बोल। अच्छा अब सवाल ये आता है, एक बात बहुत ही गौर से सुनिएगा कि हमें कैसे पता चलता है कि किसी भी एक एटम के कितने आइसोटोप नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, यह सवाल है। जैसे कि हमने पढ़ा है ओ लेवल्स में भी कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक क्लोरीन 35 एक क्लोरीन 37। ब्रोमीन के भी दो आइसोटोप है आपके पास, एक ब्रोमीन 79 एंड ब्रोमीन 81। इसी तरीके से कार्बन के भी आपके पास दो आइसोटोप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 12 या कार्बन 13। और मैग्नीशियम के आपके पास तीन आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम 25 एंड मैग्नीशियम 26। तो बेटा सवाल ये है कि हाउ कुड वी नो दैट, हमें कैसे पता चलता है कि एक एटम के दो आइसोटोप हैं, तीन हैं, चार हैं, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। और एक एटम में कौन सा आइसोटोप कितना परसेंट मौजूद है, उसको भी हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो बेटा इसके लिए हम लोग एक मेथड को यूज करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट या जिस मेथड का नाम है आपके पास स्पेक्ट्रोमेट्री। स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है बेटा, ये जो स्पेक्ट्रोमेट्री आपके पास है इसकी जो डिटेल्ड है वो अभी आपके सिलेबस में इतनी ज्यादा मौजूद नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए कि यार ये जो स्पेक्ट्रोमेट्री है ये वर्किंग कैसे करती है और मुझे ये नंबर ऑफ आइसोटोप्स कैसे बताती है और इनकी परसेंटेजेस कैसे बताती है, हमें इसकी कंस्ट्रक्शन को समझना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हमें इसको बिल्कुल समझना पड़ेगा। अब बेटा स्पेक्ट्रोमेट्री बेसिकली आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है कि जिसके अंदर आपको जिस भी एटम का आइसोटोप्स पता करना है ना, आप उस एटम के आइसोटोप्स वो जो एटम है उसको स्पेक्ट्रोमेट्री के इंस्ट्रूमेंट में डालोगे और विद रिस्पेक्ट टू दी कंप्यूटर डिटेल वो आपको बता देगा कि इसके अंदर कितने आइसोटोप्स मौजूद हैं। इतनी सिंपल सी बात है ये, ठीक है। लेकिन हमारे सवाल ये है कि यार ऐसा होता कैसे। तो सबसे पहले तो हम लोग स्पेक्ट्रोमेट्री की एक रफ सी डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम आपको बनाने के लिए कभी नहीं आती, बस सिर्फ इसकी जो लेबलिंग है थोड़ी सी वो दिमाग में रख लीजिएगा, लेकिन इसको ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं होगी पेपर में। अभी आप अपनी आसानी के लिए बिल्कुल इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर ये एक इस तरीके की डिवाइस होती है, पहले मुझे बनाने दीजिएगा, सुन लीजिएगा, फिर हम आगे बात करेंगे। या आपके पास देखो, या आ गया आपके पास एंड दिस इज दी डिटेक्टर। यहाँ पर से आप इंडेक्ट करोगे सैंपल जो
जो भी एटम का सैंपल आपको पता करना है कि भाई इसके अंदर कितने आइसोटोप हैं, वो आपने सैंपल को यहाँ पर अंदर इंजेक्ट किया। यहाँ पर बेटा आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, इस साइड पर आपको जो चैम्बर होगा, ये चैम्बर होता है बेटा एक्सीलरेटर का, ठीक है, एंड ये अंदर रिक्वायर्ड स्पेस मौजूद होगी, इसको हम कहेंगे आयोनाइजर। ठीक है बड़ा, बहुत सुकून से सुनना कि क्या बात होगी, पहले समझ लेना, फिर हम जो भी समझ नहीं आए बात को वो हम उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। अब क्या होगा, सपोज कर ये जो स्पेक्ट्रोमेट्री है इसके चार पोर्शन थे। पहला पोर्शन क्या है बेटा, आयोनाइजर का, दूसरा है एक्सीलरेटर का, ठीक है, एक्सीलरेटर में बेसिकली नेगेटिव चार्जेस है, तीसरा है बेटा आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड, चौथा डिटेक्टर, ठीक है, और फिर ये जो डिटेक्टर है इससे डायरेक्ट जो वैल्यूज है वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जाती है और आपको एक ग्राफ जनरेट करके दे देती है। उन ग्राफ की बात हम लोग अभी बाद में करेंगे, पहले आप लोग ये समझ लीजिएगा कि क्या होगा। अब सपोज करो हम लोगों ने एक सैंपल को अंदर इंजेक्ट करवाया और वो सैंपल था क्लोरीन, मेरे पास क्लोरीन का एक एटम आया, सही, एक और क्लोरीन नेचर में Cl2 की फॉर्म में ही एक्सिस्ट करता है। अब हुआ क्या, आपने जैसे ही इस क्लोरीन को इस मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर इंजेक्ट करवाया, सैंपल इंजेक्टर है, सैंपल को हमने यहाँ पे अंदर इंजेक्ट करवाया, सबसे पहले ये जो क्लोरीन आपके पास मौजूद है ये कहाँ से गुजरेगी बेटा, ये गुजरेगी आयोनाइजर, ठीक है, ये आयोनाइजर क्या करेगा, ये आयोनाइजर ये जो क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान ये जो एक केमिकल बॉन्ड बना हुआ है ना बेटा, ये इस केमिकल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अब देखना बेटा ये ब्रेक कैसे करेगा, बेटा ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों क्लोरीन और क्लोरीन के पास शेयर हुए हैं ना, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव करा देगा। तो होगा क्या आपके पास, कि जो दोनों क्लोरीन है, क्योंकि जो इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था वो दोनों ही यहाँ से रिमूव हो गए, ठीक है, तो ये दोनों जो क्लोरीन, ये जो क्लोरीन के एटम थे आपके पास, ये कन्वर्ट हो जाएंगे क्लोरीन के आइन्स में, ठीक है। जब भी हम इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, आयोनाइजर बोल रहे हैं, और मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर हमेशा पॉजिटिव आइन्स ही बनते हैं किसी भी एटम के, सही है, नेगेटिव आइन्स का यहाँ पर अभी कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। देखो क्या हुआ, क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड था, आयोनाइजर ने क्या करा, इस बॉन्ड को एनर्जी एब्जॉर्ब करवाई, ठीक है, इतनी हाई अमाउंट में इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करवाई कि जो Cl और Cl के जो बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया एंड इट कैन फॉर्म टू पॉजिटिव आयंस, सही है। अरे बस समझ, या जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे, अभी जैसे क्लोरीन के मॉलिक्यूल के तो दो ही पॉजिटिव आयंस बनते हैं, सही है, लेकिन एक्चुअली में बहुत सारे पॉजिटिव आयन भी बन सकते हैं, इट डिपेंड्स कि भाई आप सैंपल कौन सा डाल रहे हो, ठीक है। अब जैसे अगर मैं क्लोरीन का सैंपल डाल रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉजिटिव आयन बन सकते हैं, क्योंकि एक क्लोरीन के एटम के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स मौजूद है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, तो बेटा क्लोरीन जो है ये आयनाइजर में जाकर क्लोरीन पॉजिटिव में चेंज हो गया, ठीक है, फिर आफ्टर पासिंग थ्रू द आयनाइजर ये कौन से चैम्बर से गुजर रहा है बेटा, एक्सीलरेटर चैम्बर से, और ये जो एक्सीलरेटर का चैम्बर है हमारे पास, इसमें मैंने कौन सी चार्ज दी हुई है, नेगेटिव चार्ज दी हुई है, तो क्या होगा, ये जो दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं ये क्लोरीन की इस पॉजिटिव चार्ज की स्पीड को बढ़ाएगी, अपने पास अट्रैक्ट करेंगे और अपने पास अट्रैक्ट करके इसको पुश कर देंगे टूवर्ड्स दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज था, इसी के आगे नेगेटिव चार्ज है, ताकि ये क्लोरीन इसकी तरफ भागता हुआ आए। अब जैसे ही ये क्लोरीन एक्सीलेटर की तरफ स्पीड बढ़ा के आया, ये मैग्नेटिक फील्ड में चला गया और मैग्नेटिक फील्ड ने इस क्लोरीन की डायरेक्शन को चेंज करके इसको
इसको डिटेक्टर पर हिट करवा दिया। इसको डिटेक्टर पर क्या कर दिया बेटा, हिट कर दिया। ठीक है, देखो एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर आपके पास असल में एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर आपके पास एक कोई लाइट वेट ऑब्जेक्ट होगा तो ठीक है, उसको आप अगर एक पावर से फेंकोगे तो वो जाके सामने वाले डिटेक्टर पे हिट करेगा। लेकिन अगर उसी सेम पावर से मैं एक हाई वेट वाले एलिमेंट को हिट करवाऊं, ठीक है, तो उसकी जो हिट करने की पावर होगी बेटा, पावर तो सेम है लेकिन वो ज्यादा हिट करेगा हमारे पास। अरे बात समझ में। तो देखो हो क्या रहा है, स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर आपके पास ये जो क्लोरीन का सैंपल लेट्स सपोज आपने डाला, सबसे पहले ये कन्वर्ट हुआ आयनाइजर, ये आयनाइजर से पास होके सबसे पहले कन्वर्ट हुआ आयंस में, ठीक है, एंड देन एक्सीलेटर ने इस पॉजिटिव आयंस की स्पीड को तेज किया एंड विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इन पॉजिटिव आयंस की डायरेक्शन को चेंज कर देगी ना, ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड में जाते ही जब इनकी डायरेक्शन चेंज हुई तो ये जितने भी क्लोरीन के अंदर उसके आइसोटोप्स मौजूद होंगे वो इस डिटेक्टर पे हिट करना शुरू हो जाएंगे। अरे ये बात समझ में, ठीक है, अब ये कितनी पावर से डिटेक्ट करेंगे और कौन कौन से आइसोटोप्स होंगे बेटा, इसकी बात हमें एक कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफ से पता चल जाएगी। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने क्लोरीन के सैंपल को हिट कराया ना बेटा, तो इसने आफ्टर स्पेक्ट्रोमेट्री का रिजल्ट जो आपके पास आया, मैं आपको वो बता रहा हूँ, पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया बेटा आपके पास मास नंबर, और ये आ गया बेटा आपके पास परसेंटेज अबंडेंस। ठीक है, तो हमारे पास बेटा ग्राफ कुछ इस तरीके से आ गया, ऐसे आ गया। सुनना पहले बेटा, ये था जीरो, बनाया बेटा एक मिनट को, 50, 100, ठीक है, ये था बेटा आपके पास 75%, और जब आपने इसको चेक किया या आ गया आपके पास 25%, ठीक है, एक पी का या आपके पास 35 पे, एक आई बेटा 37 पे, 38, 34, ठीक है। आपको स्पेक्ट्रोमेट्री पे इस इंजेक्टर को पास आउट कराने के बाद आपको एक इस तरीके का ग्राफ मिल गया। ठीक है, अब मेरी बात एक बहुत गौर से सुनना, आपने स्क्रीन के सैंपल को इंजेक्ट किया तो जितने ज्यादा इसके अंदर आइसोटोप्स मौजूद होंगे उतना ही ज्यादा ये डिटेक्टर के अंदर जाकर हिट करेंगे अलग अलग पावर से। ठीक है, तो मुझे क्या पता चला कि यार क्लोरीन के अंदर सिर्फ दो टाइप्स के ही आइसोटोप्स मौजूद है। ठीक है, एक क्लोरीन 35 वाला और एक क्लोरीन 37 वाला। ये बात मुझे कैसे पता चली इस ग्राफ से बेटा, ये बात इस ग्राफ से मुझे ऐसे पता चली, देखो 33 पर क्योंकि कुछ भी अबंडेंस नहीं आ रही, आप देख रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है 33 पर, 34 पर, तो इसका मतलब क्या है बेटा हमारे पास कि यहाँ पर कोई भी आइसोटोप डिटेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही क्लोरीन का 35 की बात आई तो यहाँ पर जो डिटेक्टर ने जो पावर को हिट हो रही थी उसको जो एब्जॉर्ब किया बेटा वो कितना परसेंट थी, 75%। ठीक है, और जो हमारे पास क्लोरीन के 37 पर जब हम लोग पहुंचे तो यहाँ पर भी इसने एक आइसोटोप को हिट करते हुए डिटेक्ट किया जो कि कितना परसेंट था आपके पास बेटा, 25%। तो एक बात आपको याद रखनी है इस ग्राफ में कि बेटा नंबर ऑफ पीक्स
number of pH is equals to number of isotopes detected. आपको कैसे पता चलेगा, आप इस ग्राफ को देखकर कैसे बता सकते हो, बेटा ये वाली डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है, ना ये पेपर में आपके पास आती है, लेकिन समझना जरूरी है कि हम लोग किसी भी एटम्स के आइसोटोप को कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, हम सैंपल को इंजेक्ट करवाते हैं, हमें इस तरीके का ग्राफ मिल जाता है बिटवीन द मास नंबर और परसेंटेज अबंडेंस. बेटा परसेंटेज अबंडेंस का मतलब क्या है कि 100% क्लोरीन के अंदर कितने कितने परसेंट उसके आइसोटोप्स मौजूद हैं, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज अबंडेंस. ठीक है, अब आपके पास जब इस तरीके का ग्राफ आ गया तो मुझे बताओ क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स डिटेक्ट हो गए, हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन आर देयर. कितने आइसोटोप्स हो गए बेटा क्लोरीन के, दो. बिल्कुल, वाई यहां पे क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं क्योंकि देयर आर टू पीक्स, क्योंकि यहाँ पे दो पीक्स डिटेक्ट हो रही है. ठीक है, अब मेरी बात एक बहुत गौर से सुनना बेटा, इस परसेंटेज अबंडेंस की मदद से मैं किसी भी एटम का मास को फाइंड आउट कर सकता हूँ, द रिलेटिव एटॉमिक मास. अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास निकालें क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन का, ठीक है, तो इसके लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करोगे, Ar इज इक्वल्स टू कितने आइसोटोप्स हैं बेटा इसके पास, दो आइसोटोप्स हैं, एक 35 वाला, ठीक है, और क्लोरीन के 35 वाले आइसोटोप की परसेंटेज कितनी है बेटा, 75%, प्लस क्लोरीन के 37 वाले आइसोटोप की परसेंटेज कितनी है आपके पास, 25%. ठीक है, एंड टोटल परसेंटेज इसको सम करके आपके पास कितना आ रहा है, 75/25 मतलब 100%. ठीक है, अब जब मैं क्लोरीन का एटॉमिक मास निकालना चाहूंगा तो बेटा इसका मास आएगा 35.5. ठीक, ओके, बेटा आपके पास ये जो एक्सीलरेटर है और मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही नियरेस्ट लगी हुई है आपके पास. ठीक है, तो जैसे ही आपके जो भी नेगेटिव प्लेट के एक्सीलरेटर हैं वो क्लोरीन के पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, वो फौरन से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुस जाएंगे. ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको डिफ्लेक्ट करके डिटेक्टर पर हिट करवा देगी. ठीक है बेटा, बात समझ आती है कुछ या नहीं, अमार, दाऊद, मनाहिल, रुमेल, मुनज़ा एंड उमर तैयब, ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, हाँ इसको शुरू से मैं दिखा रहा हूँ, इसकी पिक्चर ले लो जल्दी से शाबाश, क्योंकि आपकी दूसरी क्लास भी अभी शुरू होने वाली है. जा गया, देख पिक्चर इसकी जा. ठीक है, बाकी जो जो पीडीएफ फाइल मैंने आपको जो इनिशियल बातें बताई थी ना, वो मैं आपको अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगा. ठीक है, तो अगर आपने इसको कॉपी कर लिया है तो आप क्लास को आप इसी सेम आईडी पर ही रहोगे, मैं इसको लीव कर देता हूँ. ठीक है बेटा, कोई मसला तो नहीं है, अगर कोई मसला हुआ तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं. ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़.